स्काईलाइन किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बिना कड़वाहट का करेला फ्राई बना रही हूँ। आगे का स्टेप्स मैं बताती रहूँगी। मैंने आज दो करेला लिया है। इसको बिना कड़वा बनाने के लिए मैं पहले दो भाग करके सब बीज निकाल लिया। अब मैं इस तरह इसका कटिंग कर रही हूँ। देखिए मैंने इस तरह करेला को काट लिया। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक मिला के 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, नमक और हल्दी, ताकि इसका कड़वाहट थोड़ा दूर हो जाए। नमक हल्दी मिला के इसको मैं अच्छी तरह से ढक के रखूंगी। देखिए करेला में जो नमक हल्दी लगा के रखी थी, इसमें थोड़ा मेरा कड़वा वाला पानी निकल आया है। मैं इसको ज़्यादा तो नहीं अब निकालूंगी। अब मैं इसको कढ़ाई में फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करूंगी। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। सब करेली को इस तरह छान के फ्राई करके निकाल दिया। अब मैं आगे, पहले हम पचफोरन डालेंगे, हम इसमें तेल में पचफोरन डालेंगे, तब फिर प्याज को फ्राई करेंगे करेली के तरह ही। कढ़ाई में पचफोरन डाल दिया, अब मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। दो मीडियम साइज का प्याज लिया था। देखिए मेरा प्याज भी फ्राई हो गया, करेला प्याज दोनों फ्राई हो गया। अब जो कढ़ाई में बाकी बचा तेल है, उसमें मैं ये जो ग्रेट किया हुआ, चॉप किया हुआ टमाटर है एक मीडियम साइज का, वो मैं डाल रही हूँ। अब टमाटर का सारा पानी खत्म हो गया। अब मैं आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल पाउडर इसमें डाल रही हूँ। सबको अच्छी तरह से मिला के वही आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार इस मसाले में सबको मिला के पका रही हूँ। अब मैं मसाले में पहले प्याज को अच्छी तरह से मिला लूंगी। उसके बाद अब मैं करेला फ्राई डाल रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करके इसमें फिर आधा चम्मच आमचूर पाउडर आप अपने स्वादानुसार दे सकते हैं। हमें आधा चम्मच हम डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, इससे स्वाद बढ़ता है और करेला का थोड़ा कड़वाहट भी दूर होता है। मेरा फ्राई करेला बनके तैयार है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में सर्व कर रही हूँ। देखिए करेला फ्राई बनके तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। देखिए मेरा करेला फ्राई गार्निश के साथ रेडी हो गया। ये खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।